यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर हुआ हूँ 2017 में। ओके। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में काम किया है। ओके। और अभी फिलहाल एज ए कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंतर्गत एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। ग्रेट 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 ग्रेट। बड़ौनिया जी, आपने अपना पूरा नाम क्या बताया है? अरविंद कुमार बड़ौनिया। तो अरविंद जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और मेरा ये मानना है कि धन की कोई कमी नहीं है। धन जो है, धन और कीमत और कॉस्ट जो है, ये हमारा इम्पोजिशन है, राइट? नेचर में कहीं धन है क्या? नहीं, ना नेचर में धन है और ना ही कॉस्ट है, राइट? और इस धन और कॉस्ट के द्वारा हमने एक ऐसी आर्टिफिशियल व्यवस्था स्थापित की है जिसके कारण जो है हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो कम हो गए हैं और हम समस्या का हिस्सा बन गए हैं। देखिए, हर चीज साइक्लिक है कि नहीं है? इवन जो आप खा रहे, वीडियो देखा है, नहीं, जैसे जैसे मैं और कुछ बात कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इवन जो मनुष्य खा रहा है वो एक तो उसका दिमाग में जा रहा है तो दिमाग की एनर्जी वो पैदा कर सकता है, वो सोच कर सकता है, विजन ला सकता है जिसे जमीन में उतारा जा सकता है, राइट? उसी का जो खाने का हिस्सा जा रहा है, जो उसमें बाहुबल देता है, जिस उस सामर्थ्य को पैदा करता है कि वो जमीन में उतारने के, उस विजन को उतारने के लिए सामर्थ्य प्राप्त करे और उसे जमीन पर उतार सके, राइट? अब जो चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो आपके शरीर से बाहर निकल रही हैं, वो एनर्जी और फर्टिलाइजर दोनों में कन्वर्ट हो सकती है। हमने उसे जो है थोड़े बहुत केमिकल वेमिकल का यूज करके इतना बेकार कर दिया है, सड़न पैदा कर दिए कि जहां उसको आप डाल दोगे वो वहां पर जो है कैंसर पैदा कर देगा, ठीक है ना? बिल्कुल। तो यदि हम उसको थोड़ा सा ही जो है ना इम्प्रूव कर दें, जैसे इंस्टेड ऑफ जो है हार्पिक को डालने की बजाय यदि हम अपने टॉयलेट में एंजाइम डालने की कोशिश करें, राइट, तो आपकी सड़ान गायब हो जाएगी, सब गायब हो जाएगा, वो फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मीथेन में कन्वर्ट हो जाएगा, वो ईथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। जिस हर चीज का उपयोग हो रहा है और अबंडेंस में हो रहा है, वहां रिसोर्स की कमी कैसे पड़ सकती है? आप जो है, और आपका सोर्स क्या है? सूर्य ऊर्जा जो कि अबंडेंस में मिल रही है, पानी जो कि चारों तरफ अबंडेंस में है, मतलब देखा जाए तो जमीन के अंदर पानी, जमीन के ऊपर पानी, ठीक है ना, बादलों में पानी, ग्लेशियर में पानी, और हम आप सब में भी पानी 70%, राइट? बिल्कुल। हमने अपनी दुष्टता के कारण उसको स्केसिटी में कन्वर्ट कर दिया, उसको पॉल्यूट कर दिया और बोतल में बेचने में सफल हुए हैं। यही स्थिति हम अभी ऑक्सीजन की करने वाले हैं, राइट? काफी कुछ हो गई है और बहुत जल्दी पूरी तरह से कर देंगे और फिर ऑक्सीजन सिलेंडर का व्यवसाय चालू हो जाएगा और हमारी स्थिति दयनीय हो जाएगी। हमारे भविष्य के जो वार्तालाप इस तरीके के होंगे कि अरे भाई, मेरा ऑक्सीजन का सिलेंडर 10 मिनट में खत्म होने वाला है, जल्दी से भेज दीजिए नहीं तो मैं मर जाऊंगा। हम इस चीज को अगले 3 महीने में पूर्णतया रिवर्स करने की स्थिति में है। अगले 3 महीने में, देखिए मैं एक बात बार बार जरूर दोहराता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि वो दोहराना बहुत जरूरी है। केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इन सबसे हम जो है कैंसरस ग्रेन पैदा करने लगे हैं। हमारी मिट्टी जो है वो खराब हो गई है, बहुत सारा जो है ना केमिकल्स पानी में भी चला गया है, तो अंडरग्राउंड वाटर भी पॉल्यूट हो गया है, ठीक है? जो पानी उड़ा उससे जो बादल बने उससे एसिड रेन होने लगी है, राजस्थान के एडज्वाइनिंग एरिया में एसिड रेन हो रही है। और हमारी दुष्टता की इतनी वो है कि थोड़ा सा लाभ कमाने के लिए हम देसी गाय जो कि अल्फा 2 वैरायटी का मिल्क पैदा करती है, उसके बजाय हम जर्सी की गाय इतना कीमत देके लेके आए हैं और वो अल्फा 1 वैरायटी का विश्व टाइप का कार्सनिक और बेकार मिल्क हमको दे रही है, ठीक है ना? और इसके बाद भी हम बाज नहीं आ रहे हैं, हम उसमें हार्मोनल इंजेक्शन भी लगाए जा रहे हैं, गायों में भी लगा रहे हैं, भैंसों में भी लगा रहे हैं, बकरियों में भी लगा रहे हैं, मुर्गियों में भी लगा रहे हैं, फलों में भी लगा रहे हैं, सब्जियों में लगा रहे हैं। अब विडंबना का विषय है कि जितना दूध आप पी रहे हैं, जितना दूध आप कंज्यूम कर रहे हैं, उसका 1/3 दूध ही हम पैदा कर रहे हैं, तो 2/3 मिल्क जो है वो केमिकल ऑरिजिन का है।
ठीक है ना। और जो केमिकल ओरिजिन के मिल्क के बारे में रिसर्च स्टडी हुई है वो कह रही है कि यदि 4 साल तक लगातार केमिकली मेड यदि हम मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट का यूज करेंगे तो 87% लोगों को कैंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये जो तमाम चीजें हैं इनको मिलाकर हर 3 में से 2 व्यक्ति कैंसर में सबसे सफर करेंगे अगले 5 वर्ष में। करेंगे कि नहीं करेंगे? जब 2 व्यक्ति अस्पताल में होंगे तो तीसरा 1 व्यक्ति आपको और चाहिए होगा जो अटेंड करे उसको। इसका मतलब है कि हमारी 99% पॉपुलेशन कैंसर या कैंसर के रिलेटेड विभीषिका से जूझ रही होगी। तो अभी अपन ने पानी की बात कही, अपन ने अभी हवा की बात कही और अभी अपन ने इन सब बातों को कहा है, तो ये अब दिल्ली दूर नहीं है, अपन को बहुत इमीडिएट काम करना होगा। सरकारें ये काम करेंगी नहीं, क्यों? क्योंकि उनका कोई धर्म ही नहीं है, उनकी कोई राजनीति ही नहीं है। आप ये बताइए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो क्रिमिनल्स को टिकट दे रही है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन कहे चाहे सुप्रीम कोर्ट कहे, इससे किसकी सेहत पे फर्क पड़ रहा है? आज जो है हमारे पार्लियामेंट में 42% जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड के व्यक्ति हैं और 29% तो उसमें से बहुत ही जघन्य अपराध के दोषी हैं, मतलब उनके ऊपर आरोप हैं, जो कि मर्डर है, रेप है, किडनैपिंग है, ऐसे ऐसे गंभीर अपराध हैं। अब ये बहुत बड़ी विडंबना का समय वो है कि जिस देश में चपरासी बनने के लिए आपको साक्षरित भी होना चाहिए और साक्षर होना चाहिए, उस देश में इस देश का भाग विदाता बनने के लिए, इस देश की बागडोर संभालने के लिए, इस देश का जो है ना कानून बनाने के लिए, ये मर्डर और रेपिस्ट क्यों चलना चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे ये बताइए, बहुत छोटी सी बात मैं एक कहता हूं आपसे अरविंद जी, कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उनको जो है जब तक दोषी सिद्ध ना हो तब तक उनको आप अपराधी मानिए, आप उनको और जिम्मेवारियां दे दीजिए ना, उन्हें मेरा प्रतिनिधि क्यों बना रहे हैं आप? राइट। और हमारा क्राइम फ्री भारत तो कह रहा है कि हम 15 दिन में जो है ना आपके केसेस को निकाल कर देंगे, हमारे पास ऐसे आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस हैं कि हम 15 दिन में जो है ना आपके प्रकरण का निकाल करा देंगे, प्रकरण में सजा दिला देंगे। लेकिन इन सब चीजों के लिए किसके पास समय है? हमारे तो जो है ना सोच इस तरीके से है कि किसको खरीदें, किसको बेचें, किस पार्टी को ज्वाइन करें, कैसे सत्ता में आए, तो सत्ता प्राप्त करना मकसद है, इस देश का निर्माण करना मकसद नहीं है। है क्या देश का मकसद इस देश का निर्माण करना? नहीं है, किसी का मकसद नहीं है। आप मुझे बताइए, जिस गति से क्रिमिनल्स को टिकट दिया जा रहा है और अभी हमने आपको 2019 के पार्लियामेंट जो अभी है वर्तमान में उसकी आपराधिक आंकड़े को दिया है कि कितने अपराधी हैं, आपको नहीं लगता है कि 2024 में हम ये 50 का आंकड़ा क्रॉस कर जाएंगे? बिल्कुल हो सकता है। नहीं नहीं, हमको तो डेफिनेट लग रहा है, आपको हो सकता लग रहा है, मुझे लग रहा है डेफिनेट है। 8% बहुत कम होता है ना, 42% तो है ही, 8% और बढ़ेगा तो 50% का आंकड़ा क्रॉस हो गया। तब ये क्या डेमोक्रेसी होगी या क्रिमिनलोक्रेसी होगी? क्रिमिनलोक्रेसी होगी, गवर्नमेंट ऑफ द क्रिमिनल्स बाय द क्रिमिनल्स फॉर द क्रिमिनल्स। कानून भी उनका होगा, कानून बनाने की क्षमता भी उनकी होगी, पुलिस भी उनकी होगी और आपका चूतड़ होगा, उनके डंडे होंगे। यदि हम लोग नहीं चेते तो बहुत ही भयावह भविष्य हमारे सामने खड़ा है और इनमें से हमारा कोई भी भला करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ये छोटे चरित्र के, घटिया चरित्र के क्रिमिनल लोग हैं, अधिकांश अनपढ़ हैं और जो पढ़े भी हैं उन्होंने डिग्री कैसे पाई हुई है वो बस सबका रिसर्च कर लीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि उनकी डिग्री कितनी यथार्थ है। राइट। साठ घाट करने में, षड्यंत्र करने में, बदमाशियां करने में इनका कोई सानी नहीं है। जब आपको इतना कम पैसा मिलता है और जैसे ही आप प्रतिनिधि बनते हैं आप करोड़पति बन जाते हैं, कहां से आया पैसा आपके पास? पैसा आया बिल्कुल। आप ये बताइए कि ये कौन सी बात है कि आप जो है डोनेशन के लिए बॉन्ड जारी करते हैं और वो अनोनिमस बॉन्ड होता है? हम तो कह रहे हैं कि आप पैसा लीजिए, आप नियम बनना चाहिए कि कोई बिना डिजिटल आप पैसा नहीं ले सकेंगे और डिजिटल ट्रेल रहेगी।
और हम तो ये कह रहे हैं कि जो बड़ा पैसा दे रहा है ही इज हैविंग राइट टू से कि सर मैं इतना बड़ा पैसा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हम भारत को इस शेप में देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भारत में ऐसा कानून बने, राइट। आप बनाओ ना बनाओ, लेकिन उसके यदि किसी ने इसे 10 करोड़ दिया, 100 करोड़ दिया, तो उसको ये राइट होना चाहिए कि ही शुड स्पेसिफाई कि वो कैसे भारत का निर्माण चाहता है, ठीक है ना, जिसको अपन कहते हैं लॉबिंग एडवोकेसी। तो उससे जो है एक दिशा मिलेगी। अभी पैसा ये ले रहे हैं, अभी बताइए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड का पैसा हमने ओपेक क्यों करके रखा है भाई? पब्लिक शुड नॉट नो कि कहां पैसा जा रहा है ये। नहीं मतलब ये पब्लिक फंड है, ये ओपेक कैसे हो सकता है? आप ये बताइए नॉन परफॉर्मिंग एसेट के नाम से आई थिंक 1,78,000 करोड़ जो है शायद माफ किया गया है नॉन परफॉर्मिंग एसेट बना के। इन सब लोगों ने जो है ना पॉलिटिकल पार्टीज को जो है डोनेशन दिए हुए हैं। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज ए स्ट्रेटेजी जिससे कि पैसा जो है ना लूटा जाए। यू एग्री विथ मी? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो मैं आपसे अरविंद जी प्रार्थना करूंगा कि हम सीरियस नोट पे काम करें। नंबर वन, मैथिली शरण गुप्त का कहना है कि हम सीएफबी के माध्यम से इस देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देंगे। इतना बड़ा स्टेटमेंट तो आज हमारा प्राइम मिनिस्टर भी नहीं दे रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। वो मैंने वीडियो देखा था तो मेरे को बहुत ही कॉन्सेप्ट इसका बहुत ही अच्छा लगा, तो इसलिए फिर आपका नंबर मेरे पास में सेव था, तो मैंने कहा आपसे बात करूं। मैं केवल इतनी प्रार्थना आपसे करना चाहता हूं कि देश का भविष्य जो है रेसिडुअल एनर्जी से नहीं बदल सकता है। यदि आप अपनी मुख्य एनर्जी डालने की यदि क्षमता रखते हैं तो आप हमसे जुड़िए, मैं आपको हेल्दी वेल्दी वेल्दी भी करूंगा, धन की वर्षा करूंगा। जब सब तक कर रहा हूं तो जो इस काम को जमीन पर उतारने में मदद करेंगे उनको तो महावेल्दी बनाना ना मुझे। और आप दूसरी अपनी एनर्जी दूसरी तरफ इसलिए डाल रहे हैं कि उससे आपको पैसा मिले। जब यहां धन की वर्षा हो रही है तो दूसरी तरफ पैसे के लिए क्यों देखना? यदि इस विचार से आप सहमत हैं तो आप जुड़िए, हम 2 साल में इस देश का भविष्य बदल देंगे। हमारी प्रॉमिस है कि वी विल बी इन स्पेंडिंग हाईएस्ट मनी ऑन R&D। इंडिया विल बी द बिगेस्ट R&D हब ऑफ द वर्ल्ड। हमारे सामने ना अमेरिका होगा, ना यूरोप होगा, ना चाइना होगा। ये मेरी प्रॉमिस है एंड हम उसको डायरेक्शन देंगे कि R&D भी कहां होना है। ये डिसज्वाइंटेड, किसी ने कुछ सोचा, किसी ने अपने स्वार्थ में कुछ सोचा, वैसी R&D नहीं होगी। जिस डायमेंशन में गैप है उनकी R&D होगी, और वो R&D इस तरीके से होगी कि आपको निगेटिव बिहेवियर करने का मौका ना मिले। तो हम उसमें जो है एक डिजिटल चित्रगुप्त, जिसमें हमने विच विल गारंटी यू द राइट टू प्राइवेसी ऑल्सो। तो जैसे भगवान के पास एक चित्रगुप्त होते हैं, वो चित्रगुप्त जो है जब आप मरते हैं तो आपको आपकी वीडियो फिल्म दिखाते हैं वो, कि भाई साहब आपने ये किया था, राइट। फिर आपसे कंसल्ट करते हैं कि आपको स्वर्ग जाना चाहिए या नरक जाना चाहिए, ठीक है। तो भगवान ने भी चित्रगुप्त रखा है, तो हमारी सीएफबी के पास भी चित्रगुप्त होना चाहिए। इसके लिए हमने कानून भी बनाया है जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किया है, क्योंकि क्राइम फ्री भारत इज ए नेशनल पुलिस मिशन एंड आई एम द प्रोजेक्ट लीडर ऑफ दैट मिशन। तो हमें एक मौका है कि हम जो चीज वैसे कह रहे हैं उसे हम ऑफिशियल तौर पर भी कहें। बिल्कुल। तो ये मतलब एक बड़ा ईश्वर की कृपा है कि ऐसा कुछ हो पाया, कि एक ऐसा प्रोजेक्ट भी बन पाया, उसे वो नेशनल पुलिस मिशन माइक्रो मिशन 06 का हिस्सा बन गया। और रिटायरमेंट के बाद भी वहां के DG और सब लोगों ने निर्णय लिया कि आई विल कंटिन्यू टू बी द प्रोजेक्ट लीडर ऑफ दिस ग्रेट मिशन। यहाँ पर एज ए सेक्शन ऑफिसर ग्रुप बी गेस्टेड ऑफिसर रिटायर हुआ था। ये देखिए पद इम्पोर्टेंट नहीं है, सोच इम्पोर्टेंट है। आप और वर्तमान में जो हूँ यहाँ दिल्ली NCR का जो एसोसिएशन अपना गोही समाज है उसका अध्यक्ष हूँ मैं। अरविंद जी आप तो बताइए कि आप पूरी एनर्जी के साथ हमारे साथ हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसीलिए फोन किया। चलिए तो मैं आपको जो है थोड़ी देर बाद आप अपनी ईमेल आईडी मुझे भेज दीजिए, मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, हम लोग वीडियो कार्रवाई करेंगे जो कि क्राइम फ्री भारत पे चढ़ेगी। मेरी इसमें एक बड़ी सोच ये है कि हम जो भी बात कर रहे हैं इसे एनर्जी माने और जमीन को उतारने की बात करें। बिल्कुल। अब जो है वो समय बातों का समय नहीं रह गया कि हमें आपकी बात अच्छी लगे, हम आपकी बात अच्छी लगे। और क्राइम फ्री भारत का एक और संकल्प है कि वो अवेयरनेस नहीं बांटेगा, ज्ञान नहीं बांटेगा।
क्योंकि सामने वाले में या तो वो फ्लैट वेजल है उस, तो फ्लैट वेजल में तो कोई ज्ञान समाएगा नहीं ना, और या वो महापात्र है जो कि खुद ओवरफ्लो हो रहा है, तो वो अपने ज्ञान को नहीं संभाल पा रहा है, आपके ज्ञान को कहां संभालेगा वो, ठीक है ना। और ज्यादातर मैक्सिमम लोगों का यही होता है कि ज्ञान बांटते हैं और खुद काम नहीं करते हैं। तो हमारा कहना है कि हम उसको सर्विसेज और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें, टेक्नोलॉजी डिजाइन करें, डिवाइसेस डिजाइन करें, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज डिजाइन करें, सॉफ्टवेयर डिजाइन करें, और सब ग्राउंड पर उतार दें, और इस तरीके से उतारें कि किसी भी को बदमाशी करने का मौका ना मिले। हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारा वैल्यू सिस्टम बहुत खराब हो गया है। आज वही ईमानदार है जिसे बेईमानी करने का मौका नहीं मिल रहा है, और जैसे ही उसे बेईमानी करने का मौका मिलता है वो सबसे पहले बदमाशी करता है। हम जो भी नियम कानून योजना बनाते हैं, हमारी पहली सोच जो है ना उसमें कैसे बदमाशी की जाए वही होती है। देखिए आरटीआई आया, आरटीआई के कितने लोगों के मर्डर हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूं, उनका मर्डर अपने खुद के कृत्यों के कारण है कि वो ब्लैकमेलर बन गए, राइट। और जब वो ब्लैकमेलर बन गए तो सामने वाले को लगा कि इसका मुंह तो बहुत बड़ा हो रहा है, इसको जो है ना कम पैसे में मरवाया जा सकता है, तो वो उसको मरवा दिया गया। तो जो मरा है वो कोई बहुत महान देवता नहीं था, वो दुष्ट था, दानव बन गया वो, उसने उसको जनहित के लिए यूज नहीं किया, जबकि जनहित के लिए बना था आरटीआई। करेक्ट, करेक्ट। नहीं तो वो अच्छा है, अब ये गड़बड़ करने का मौका खत्म कर दिया जाए, तो इसलिए हमारे उसमें जो इक्विपमेंट मशीन सब हम रिवाइज करेंगे, उसमें आरएफआईडी लगे रहेंगे, जीपीएस लगे रहेंगे, दे विल रिपोर्ट फॉर देमसेल्फ, उसमें कोई सुपरवाइजर की जरूरत नहीं होगी, सुपरवाइजर कहीं भेजेंगे भी तो वो जस्ट इमोशनल होगा, राइट, क्योंकि वो डाटा तो हम पहले ही कैप्चर कर चुके होंगे, वो उसका केवल झूठ पकड़ा जाएगा, ठीक है ना, सत्य तो हमें ऑलरेडी मालूम है। लेकिन गुप्त जी मैं ना तो टेक्निकल हूँ। अरे आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हमें तो जो है ना आदमी चाहिए जमीन पे ओपिनियन लीडर बने, जमीन पे जाए, लोगों से वो करें, उनसे जो है, क्योंकि इट इज द होल स्कीम इज अंडर ज्वाइंट वेंचर प्रोजेक्ट, राइट। तो हम जो मुंह से कह रहे हैं हम उसे राइटिंग में ज्वाइंट वेंचर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, राइट। उसको उसके रिसोर्स जनरेट करने की एक अपनी स्ट्रेटेजी है, वो रिसोर्स इतने ज्यादा होंगे कि हमें सरकार किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सरकार की जितनी भी योजनाएं उन सबका भी फायदा उठाएंगे, राइट। और उनका फायदा उठाने के लिए ऑटोमेटेड सिस्टम रहेगा, ठीक है ना, तो वो हम कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अरविंद जी मेरा आपसे अनुरोध ये है कि आप मुझे अपनी ईमेल आईडी भेजिए, और फिर मैं थोड़ी देर से आपसे दोबारा बात करता हूँ, हम लोग वीडियो पर बात करेंगे, सीरियस बात करेंगे, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं ऑफ रिकॉर्ड बात नहीं करता हूँ, ऑफ रिकॉर्ड बात से मेरा परहेज है, मेरा कोई भी टेलीफोन ऐसा नहीं होता है जो रिकॉर्डेड ना हो, तो आई रिफ्यूज टू टॉक इनफॉर्मली। ऐसा है कि ये अभी आज अष्टमी है, थोड़ी घर में पूजा वगैरह भी होनी है, तो मेरे ख्याल एक मैं मिसेज से पूछ लूं कितने बजे निपट जाएंगे, तो उस वक्त के करीब बात करें, कितने बजे 15 निपट जाएंगे करीब 1-1.5 घंटे बाद में 9:30 से अपन आराम से कर लेंगे, 2 घंटे बात करते हैं, जल्दी क्या है, ठीक है ना। तब तक आप अपनी ईमेल आईडी भेज दीजिए और हम जो बात करेंगे, देखिए बेसिकली इसमें मेरी सोच समझ लीजिए आप, जब मैं बात करता हूँ तो मेरे सामने आप नहीं होते हैं, मैं मेरे सामने वो ऑडियंस है जिसको जो वो उस बात को देखेगा सुनेगा बाद में, राइट। हम उसमें एनर्जी पैदा करना चाहते हैं, राइट। तो ये भी एज्यूम करिए कि मान लो आप उस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बन पाते हैं, तो कोई दूसरा जो उसको सुनेगा उसको लगेगा या आई कैन डू दिस, तो द एनर्जी विल रीच टू द राइट प्लेस एंड कॉस्मोस एनर्जी विल नॉट गो वेस्ट, ठीक है ना। अच्छा अभी जो एक वीडियो जो मैंने देखी थी, तो एक तो धनकर जी थे, एक दूसरे से वो आप ही थे क्या? एक मैं था और एक दूसरा मैं ही हूँ, और कौन होगा? अच्छा 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 इसमें मैंने गुप्त जी बोला कि अच्छा गुप्त जी, तो मुझे यही लगा कि आप ही हैं शायद, तो मैंने कहा कि अब मेरे पास में आपका नंबर था, तो मैं सोचा था कि पहले व्हाट्सएप पे आप एक ग्रुप में जुड़े हुए हैं जो कहना मैं गोही आनंद आश्रम करके कुछ बना हुआ है, तो उस पर 2 दिन से मैं जुड़ा हूँ, तो उस पर आपके मैसेज देखे थे, तो मैं सोचा था उस पर मैसेज छोड़ू, फिर मैंने कहा कि मेरे पास में तो आपका नंबर है, मैंने देखा तो नंबर मिल गया मुझे आपका, तो मैंने कहा फिर तो मैं आपसे बात नहीं करता। आपने बिल्कुल बहुत अच्छा किया,
क्योंकि वो मैं जो है कोई भी मैसेज पढ़ता ही नहीं हूँ। अच्छा, वो वन साइडेड मैसेज है मेरे केवल। मैं जो है ना बोलता हूँ उसको, जितना भी होता है उसको डिलीट करता हूँ और अपना मैसेज डाल देता हूँ, क्योंकि मेरे पास मैं लगभग 1,00,000 दोस्तों से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं तो जो है ना इतने मैसेज पढ़ने की मेरे में भौतिक क्षमता ही नहीं है। मैं खुद नहीं पढ़ता हूँ मैसेज, मेरे पास में भी करीब 3,000 कॉन्टेक्ट है फोन में, बहुत सारे ग्रुप है, लेकिन मैं कोई मैसेज नहीं पढ़ता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपना एक मैरिज ब्यूरो वाला काम है वो भी चला रहा था। अच्छा, अपने एसोसिएशन का, और बिल्कुल फ्री ऑफ सर्विस और वो फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है समाज के लिए। चलिए तो दो घंटे बाद बात करते हैं, दो घंटे बाद विस्तार से बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।